जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये LG का डबल डोर का फ्रिज है और इस फ्रिज में कूलिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। हम फ्रिज को चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, हम फ्रिज को चेक कर रहे हैं, इसके फिल्टर के ऊपर कैपिलरी के पास आइस आ रहा है, वहाँ से गैस पास नहीं हो रही है कैपिलरी के पास से। तो अभी हमें इसे चेक करना है। देखिए, यहाँ से गैस रुक गई थी, इसकी गैस पास नहीं हो रही, जिसकी वजह से कूलिंग प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। तो अभी हमें अपने फ्रिज को की गैस चार्जिंग करना है, इसको गैस का काम करना है हमें इसमें। अभी गैस किस तरीके से चार्जिंग होगी, आप लोग वीडियो में बने रहे, गैस चार्जिंग का प्रोसेस चालू है। देखिए, यहीं से गैस पास नहीं हो रही थी फिल्टर के पास से, यहाँ गैस पास ना होने की वजह से कूलिंग रुक गई और यहाँ पे आइस आने लगा। अभी हमने यहाँ से गैस रिलीज कर दी है, निकाल दी है। अभी हमें इसका फिल्टर भी चेंज करना है और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस, आगे गैस चार्जिंग का प्रोसेस भी। आप वीडियो में बने रहें तो गैस चार्जिंग का भी काम होगा। देखिए, पॉलिश पेपर की मदद से हम लोग पाइप के ऊपर जो डस्ट है उस डस्ट को निकाल लेंगे। उसके बाद वहाँ से पाइप कट करके न्यू फिल्टर वहाँ हमको ज्वाइंट करना है, न्यू फिल्टर डालना है हमें वहाँ पे। ये देखिए, हमने पुराना फिल्टर निकाल लिया है, अभी हमें यहाँ नया फिल्टर लगाना है। ये गैस की लाइन है, यहाँ पे भी नया पाइप हमें ज्वाइंट करना है और चार्जिंग लाइन गेज की मदद से वहाँ फिर हम गैस चार्जिंग करेंगे। अभी हमने फ्रिज चालू किया है, देखिए कितना करंट है इसमें। अभी हमें एम्पियर मीटर पे करंट बता देगा कि फ्रिज हमारा बराबर चल रहा है या एम्पियर मीटर ज़्यादा ले रहा है, करंट ज़्यादा ले रहा है। फ्रिज हमारा चालू हो गया है और 0.4-0.5 एम्पियर ये करंट ले रहा है, जो नॉर्मल करंट है। गैस चार्जिंग के बाद 0.6-0.7 तक इसका करंट हो जाएगा रनिंग में। हमने हमारे कंप्रेसर की पंपिंग भी चेक कर ली है, कंप्रेसर की पंपिंग भी ठीक है। जी, ये देखिए, हमने न्यू फिल्टर ले लिया है। ये न्यू फिल्टर है, आपको नजर आ रहा होगा, न्यू फिल्टर हमें लगा लेना है। यहाँ भी ज्वाइंट कर लेंगे फिल्टर को गैस बत्ती की मदद से। देखिए, फिल्टर जॉइंट किया जा रहा है गैस फ्लेम से, ब्रेजिंग रॉड की मदद से इसे हम जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि फ्लेम में पतरा लगा लें, ताकि इसकी हीट जो है आगे पीछे आपकी वायरिंग वगैरह को नुकसान ना दे सके। जहाँ जॉइंट है बस उतने में हीट रहेगी, पतरे से ये फ़ायदा होता है। उसका खास ख्याल रखें कि उसकी वायरिंग वगैरह जो है हिट ना हो, जले ना। देखिए, ये हमारा फिल्टर जॉइंट हो गया है, कैपिलरी भी हमने जॉइंट कर लिया, वायर भी हमारा सेफ्टी है।
गैस फिलिंग करते वक्त हमें लीक भी चेक करना है कि हमने जो जॉइंट मारे हैं, जो जॉइंट किए हैं, कहीं वहाँ से लीक तो नहीं है, वो भी हमें चेक करना है। अभी गैस फिलिंग करते वक्त लीक भी हम चेक करेंगे। ये देखिए चार्जिंग लाइन और गेज लगा दिया गया है, यहीं से हमें गैस फिल करना है। ये देखिए हाइड्रोकार्बन हमारी गैस है। फ्रिज में कई तरीके की गैस आती है, तो 2 से 3 तरीके की गैस फ्रिज में आती है। R600, R134 और R12 अभी बंद हो चुकी है, तो अभी इस वक्त सिर्फ R600 और 134 और हाइड्रोकार्बन, ये 3 गैस फ्रिज में चल रही हैं। हमने फिल्टर के पास पिंचिंग टूल लगा दिया है, यहाँ से हमें सेल्फ वैक्यूम करना है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ से पुश करके गैस को निकाल देना है, ताकि फ्रिज के अंदर जो मॉइस्चर वगैरह जो भी होगा तो वो बाहर निकल जाएगा और हमारी कूलिंग भी बहुत अच्छी होगी। देखिए गैस रनिंग हो रही है, गैस डाली है हमने फ्रिज में, अभी हमें चेक करना है इसको। ये देखिए हमारा रनिंग में फ्रिज का जो करंट है एम्पीमीटर में दिखा रहा है 0.6 0.7। तो देखिए इस तरीके से हमें लीक चेक कर लेना है, अगर पाइप में कहीं लीक होगा तो वहां से बबल्स आ जाएंगे। गैस चार्जिंग चालू है और हमारा कंडेंसर भी नॉर्मल हीट हो रहा है, सक्शन का पाइप भी हल्का सा चिल्ड हो रहा है। तो दोस्तों हमारी गैस चार्जिंग कंप्लीट हो गई है। अभी यहाँ फिल्टर के पास हमें जॉइंट मार के इसको पैक कर देना है फिल्टर के पाइप को, उसके बाद फिर चार्जिंग लाइन गेज निकाल के वहाँ भी हमें पिंच करना है, उसके बाद फिर हमें कूलिंग उसकी चिल्डनेस चेक करना है कि हमारा काम कैसा हुआ, उसकी हमें चिल्डनेस चेक करना है। ऊपर कूलिंग कॉइल में बर्फ़ आई है या नहीं आई है वो अभी हम देखेंगे। ये फिल्टर हमारा जॉइंट हो गया है, अभी चार्जिंग लाइन भी हम पैक कर देंगे। ये हमारी गैस चार्जिंग कंप्लीट हो गई है, उसकी कूलिंग अभी हम चेक कर लेंगे, ऊपर कूलिंग कॉइल में आइस आ रही है या नहीं। देखिए ये फ्रिज का डक है, ये डक को खोल के हम चेक कर लेंगे कूलिंग कॉइल पे आइस आ रही है कि नहीं। तो कूलिंग कॉइल पे पूरी तरीके से आइस आ चुकी है, हमारी गैस चार्जिंग परफेक्ट हो गई है।
आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें।